नक्सल विरोधी अभियान अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव दीपक झा के निर्देशन में माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई, जिसमें नक्सलवादियों की बेनामी संपत्ति को पुलिस ने जब्त कर लिया है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद प्रभावित राजनांदगांव जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मदनवाड़ा थाना अंतर्गत नक्सलियों के बेनामी संपत्ति महिंद्रा ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। नक्सलियों के लिए ट्रैक्टर खरीदने, उपयोग करने और वाहन खरीदी हेतु फर्जी दस्तावेज बनाने में संलिप्त 4 नक्सल सहयोगियों के ऊपर भी पुलिस ने कार्यवाही की है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव नक्सल प्रभावित इलाका है, जहां आए दिन नक्सलवाद से संबंधित गतिविधियां होती रहती हैं। अंबागढ़ चौकी जिला पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर जो कि नक्सलियों के द्वारा लेवी के पैसे से खरीदा गया था और इस्तेमाल किया जा रहा था, उसको जब्त करने में, उस पर कार्रवाई करने में एक सफलता हासिल की है। ये पूरा प्रकरण इस प्रकार का है कि काफ़ी समय से हमें जानकारी मिल रही थी कि एक ट्रैक्टर है जो कि एक अरविंद तुलावी नामक व्यक्ति है जिसके पास में है और जो कि नक्सलियों के द्वारा खरीदा गया, उन्हीं के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ से जो भी अर्निंग होती है वो भी उन्हीं के कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर हम लोगों ने इसको जब्त किया। जब्त करने के बाद जब दस्तावेज मांगा नहीं मिलने के पश्चात हम लोगों ने इसमें 102 CRPC में जब्त किया और जब उसमें आगे जांच की गई तो बहुत सारे खुलासे हुए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।